सो गाइस फिर से हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंदर आ चुके हैं। तो मैं हूँ डिऑक्सीज, तो ये है हमारा सर्वाइवल सीरीज। और आज के सर्वाइवल सीरीज के अंदर हम एक फार्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हीट फार्म। और कैसा बनता है लास्ट तक ज़रूर देखना, मतलब देखने के लिए। और यहाँ पर मुझे बैड वन इफेक्ट मिल चुका है क्योंकि मैंने एक फिलेजर हेड को मारा था। तो यहाँ से थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कितना स्टोन है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो इधर नहीं यार, स्टोन नहीं है, स्टोन ब्रिक्स है, वो भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ले लेता हूँ। अब चलो हम लोग थोड़ा सा माइनिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें कबलस्टोन चाहिए और उससे हम लोग स्टोन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा माइनिंग कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ओपी माइनिंग सेशन चल रहा है यहाँ पर। तुम लोग सब्सक्राइब कर देना ठीक है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते। तो चलो यहाँ पर से थोड़ा सा तो हमने क्या बोलते उसे कबलस्टोन तो ले ही लिया है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं यार, अरे क्या हो रहा है, हाँ ऐसे ही रहता हूँ। तो चलो हमारा माइनिंग पूरा हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और हमारे पास 8 डायमंड है जो कि माइनिंग सेशन से ही मिला है। और ये देखो कितना सारा कबलस्टोन, तो मैं आप लोगों से ऊपर मिलता हूँ, मतलब हमारे बेस के अंदर, सर्वाइवल बेस के अंदर। चलो हम तो ऊपर आ गए। वीडियो मतलब एडिटिंग कैसे लगी वो मुझे बता देना। और आते ही पहले ये गलत चीज़ हो गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, आप क्या से तोड़, चलो यहाँ पर तो तोड़ दिया। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं कबल स्टोन को फर्नेस में रखेंगे क्योंकि हमें स्टोन चाहिए ना कि कबल स्टोन। तो यहाँ से थोड़ा सा कोल ले लेंगे यार, ये बार बार क्या हो जाता है। चलो यहाँ पर 8 डाल देते हैं, यहाँ पर भी 8 ही डाल देते हैं और यहाँ पर भी 8 डाल देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा पूरा तो नहीं बट कुछ सामान कंप्लीट हो चुका है और बिल्ड के दौरान मैं बाकी सामान कलेक्ट कर लूँगा ठीक है। तो तुम लोग मॉन्टेज एंजॉय कर सकते हो, नहीं अभी नहीं छोड़ो। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो स्टेट 2 वाला जो टेक्सचर पैक है वो मैंने लगाया है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग क्या बोलते हो वो मॉन्टेज एंजॉय करना क्योंकि, और हाँ यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड को क्लियर कर चुका हूँ। तो चलो मॉन्टेज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो बहुत देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं फार्मिंग नहीं किया। अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फार्मिंग करूँगा। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।